दोस्तों, मैं डाइटिशियन नेहा सिंह, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, एक बार फिर से आप सभी का डाइजोन में स्वागत करती हूँ। लेकर आ गई हूँ एक नया टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे ज्वार के बारे में। ज्वार को हम इंग्लिश में सॉर्गम मिलेट भी बोलते हैं। ज्वार एक बहुत प्रमुख फसल में से एक फसल है। ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, जैसे कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और कई सारे दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में इसकी पैदावार की जाती है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज्वार दिखता कैसा है? ज्वार छोटे छोटे गोल आकार का एक मिलेट है। इसका रंग सफेद या पीला होता है। ये ज्यादातर कबूतरों को खिलाया जाता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये जितना कबूतरों के लिए गुणकारी है, उससे ज्यादा हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी मिलेट है। ये मार्केट में बहुत सस्ता और आसानी से मिलने वाला मिलेट है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी होता है, क्योंकि ये कैल्शियम का भंडार है, हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। दोस्तों, प्राचीन समय से ही इसका इस्तेमाल हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए हैं। इसीलिए वो 100 साल से भी ज्यादा जीवित रहते थे, क्योंकि वो इतने अच्छे पोषक तत्वों वाले मिलेट्स को अपने डाइट में, अपने रोजाना खान पीन में ऐड करते थे। पर हम जैसे लोग मॉडर्न फूड लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं और उसी को खाना पसंद करते हैं। पर जब से ये मॉडर्न फूड जैसे कि गेहूं और चावल भारत आए हैं, तब से हमने हमारा पुराना प्राचीन खाद्य पदार्थ खाना छोड़ दिया है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए एकदम लाभदायक था, हमारे शरीर के लिए, हमारी पाचन शक्ति के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हुआ करता था। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि ज्वार के अंदर क्या क्या पोषक तत्व होते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। और इसमें नियासिन अच्छी मात्रा में होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। प्रोटीन इसमें 100 ग्राम ज्वार में 11 ग्राम प्रोटीन होता है। फाइबर इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि पोटेशियम, कॉपर भी इसमें अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे शरीर को मजबूत और फौलादी बनाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ज्वार के ऐसे फायदे, जो कि आपको 100 साल तक जीवित रखने में मदद करेंगे और आपकी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाने में आपकी मदद करेंगे। फायदा नंबर एक, ये ग्लूटेन फ्री होता है। ग्लूटेन एक ऐसा पदार्थ है जो गेहूं और जौ जैसे कई सारे अनाजों में पाया जाता है। कई बार ग्लूटेन जो लोग रोजाना खाते हैं, उनको ग्लूटेन खाने से पेट में दर्द और बार बार सौंच जाने की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम सीलिएक डिजीज बोलते हैं। ऐसे में हम ज्वार से बनी रोटी खा सकते हैं, क्योंकि ज्वार एक ग्लूटेन फ्री मिलेट होता है। ग्लूटेन हमारे शरीर में कई तरीके की और भी एलर्जी पैदा कर देता है। फायदा नंबर दो, ज्वार के अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर यानी कि रेशा होता है। लगभग 11 ग्राम 100 ग्राम ज्वार के अंदर फाइबर होता है। फाइबर हमारे पेट की समस्या जैसे कि कब्ज की परेशानी को सही करने में मदद करता है। फायदा नंबर तीन, ज्वार के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि धीरे धीरे पचते हैं, जिससे कि वो ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करते हैं। फायदा नंबर चार, ज्वार के अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन होते हैं, जो कि मसल मास को बनाने में मदद करते हैं, सेल रीजनरेशन में मदद करते हैं, छोटे बच्चों के ग्रोथ डेवलपमेंट में मदद करते हैं और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में भी मदद करते हैं। फायदा नंबर फाइव, ज्वार के अंदर आयरन 8.45 mg होता है, जो कि हमारे आयरन लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। पर जो आयरन इसके अंदर होता है, वो नॉन हीम आयरन होता है, इसलिए जब भी आप ज्वार खाएं तो उसके साथ में विटामिन सी रिच फूड को कंबाइन करें, जिससे कि आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। फायदा नंबर छह, कैल्शियम। ज्वार कैल्शियम का खजाना होता है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। छोटे बच्चों को जरूर देना चाहिए, ये उनकी ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। फायदा नंबर सात, फाइबर। ज्वार में अच्छी मात्रा में फाइबर होते हैं, इसलिए ये बार बार भूख नहीं लगने देता है। जब आप ज्वार खा लेते हैं तो लंबे समय तक भूख नहीं लगती, वजन को मेंटेन करने में भी मदद करता है। फायदा नंबर आठ, ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। LDL को कम करता है, HDL को बढ़ाता है। फायदा नंबर नौ, ज्वार में नियासिन अच्छी मात्रा में होता है। लगभग 28% नियासिन ज्वार में होता है, जो कि एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करता है। फायदा नंबर 10, इसमें आयरन एंड कॉपर अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे जरूरी न्यूट्रिएंट में से एक है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हम ज्वार से क्या क्या बनाकर खा सकते हैं। हम इसकी रोटी बना सकते हैं, प्लेन ज्वार से बना सकते हैं, या फिर 50% गेहूं और 50% तक आप इसमें ज्वार ऐड करके भी रोटी बनाई जा सकती है। आप इडली बना सकते हैं, उत्पम बना सकते हैं, अप्पे बना सकते हैं, केक कुकीज भी बनाई जा सकती है, दलिया सूप, राइस खिचड़ी भी इससे बनाई जा सकती है।
तो दोस्तों ज्वार खाने से हम भी सेहतमंद होंगे और हमारा शरीर मजबूत होगा, फौलादी होगा और हमारे किसान भाई जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदावार करते हैं उनको भी एक आर्थिक सहायता मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग भी आज से ही ज्वार खाना स्टार्ट कर दें और जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की परेशानी है वो लोग भी ज्वार जरूर अपनी डाइट में खाएं। 100% वो ऑस्टियोपोरोसिस को क्योर कर सकते हैं क्योंकि ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक टास्क देना चाहती हूँ, आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइए कि हम ज्वार से और क्या क्या खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, यानी कि डिशेस बना सकते हैं और हमारे देश को स्वस्थ रखने में मदद करिए। नमस्कार।